Hello guys, welcome to our channel Jyoti Physics Tutorial. In this video, we will study about kinematics, class 11th, lecture 1, introduction. But first we have to know about mechanics. What is mechanics? Mechanics is a branch of physics in which we study about the state of any object, whether it is in motion or at rest. Miss mechanics mein hum un cheezon ke bare mein padhte hain ki koi object मोशन में है या रेस्ट में है. ये फिजिक्स की एक ब्रांच है. मैकेनिक्स हैज थ्री टाइप्स. दीज आर स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमैटिक्स. सो इन दिस वीडियो वी आल्सो डिस्कस अबाउट दिस थ्री टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स. बट फर्स्ट वी हैव टू नो व्हेन इज एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट. कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगी और रेस्ट में कब होगी. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding with the passage of time. कोई object motion में जब होगी जब वो अपनी position को change करेगी अपने surrounding के respect में. Means कोई ball अगर यहाँ से यहाँ move कर जाती है time के साथ, मतलब let suppose 1 बजे यहाँ पे थी और 1:05 o'clock पे ये इस प्लेस पे है. सो ये जो बॉल है ये मोशन में है. इट इज सेड टू बी इन मोशन. इसने अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रही है. और अब हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में कब होगी. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में जब होगी वो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे. लेट्स सपोज ये सेम बॉल है वो 1:05 o'clock पे इस पोजीशन पे थी और फिर 1:10 मतलब 1:10 पे भी ये इसी पोजीशन पे है. सो ये जो बॉल है इसकी स्टेट क्या हुई, रेस्ट. इट इज इन रेस्ट. ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. देन वी विल स्टडी अबाउट स्टैटिक्स, द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. इन स्टैटिक्स वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. जैसा कि हम जानते हैं कि मैकेनिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं जो रेस्ट में है या मोशन में है, और स्टैटिक्स में हम सिर्फ उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो रेस्ट में है, जो समय के साथ अपनी पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा है. लाइक दिस स्टैंडिंग बाइसिकल, ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. मीन्स ये 1 बजे भी वहीं पे है और 2 बजे भी वहीं पे है जब तक इसको कोई हटा नहीं देता यहाँ से. देन वी विल स्टडी अबाउट काइनेमैटिक्स, द सेकेंड पार्ट ऑफ मैकेनिक्स. काइनेमैटिक्स, इन काइनेमैटिक्स वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन मोशन विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. मतलब काइनेमैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं जो मोशन में है विदाउट टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. लेकिन हम इसके फैक्टर्स का, मतलब इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम कोई स्टडी नहीं करते. सपोज अर्थ, जो अर्थ है हम सबको पता है रिवॉल्व करती है सन के अराउंड. ये सन हो गया, ये अर्थ हो गई, ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है. काइनेमैटिक्स में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि ये जो अर्थ है ये इस सन के अराउंड रिवॉल्व क्यों कर रही है. हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ये अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, किस तरह से मूव कर रही है, किस टाइप का मोशन ये कन्वे कर रही है, सिर्फ इसी के बारे में. वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग ट्रेन. जो ट्रेन है वो मूव कर रही है, हमें पता है कि मूव कर रही है. हम इसे पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, सर्कुलर मूव कर रही है, कौन सा मोशन कन्वे कर रही है. लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये ट्रेन क्यों मूव कर रही है. ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैकेनिक्स इज डायनामिक्स. इन डायनामिक्स वी स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट इन मोशन टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. डायनामिक्स में सेम काइनेमैटिक्स की तरह हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे जो मोशन में हैं,
जो मूव कर रही है टाइम के साथ, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, सेम लाइक द ट्रेन टेकिंग इन अकाउंट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फैक्टर्स मतलब हम फैक्टर्स को इसमें, मतलब हम फैक्टर्स को भी इसमें स्टडी करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो मोशन है वो हो रहा है। बट व्हाट आर दिस फैक्टर्स, जानना तो पड़ेगा। सो फैक्टर्स लाइक फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड ऑल अदर फोर्सेस प्रेजेंट अराउंड अस, लाइक मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स लाइक कोई बॉल है, इसको कोई, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, इसके हाथ में बॉल है, इसने जोर से इस बॉल को फेंका, तो ये बॉल में क्या आया, मोशन। अब मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, लेकिन इस बॉल में मोशन किसकी वजह से आया, जो इस पर्सन ने इस पे मस्कुलर फोर्स लगाया है इसकी वजह से इसमें आया मोशन। सो डायनामिक्स में हम इस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, बट काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ इसके मोशन के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड टिल डायनामिक्स। बाय बाय, टेक केयर।